welcome to India's Laughter Champion, and I'm your host, Rochelle Rao. Today's weekend quarterfinal episode is going to be exciting. In the Laughter House today, we have Himanshu Bhavandar from Ujjain, MP, Ketan Singh and Gaurav Dubey from Mumbai, Apoorv Gupta from Delhi, Rohit Sharma from Jaipur, Rajasthan, and Sundar Kataria from Gurugram, Haryana. Bulate hain aaj ke sarpanch ko. Apne anokhe andaaz se kai mehfilon mein laughter ke char chaand lagane wale kavi, comedian aur entertainer, please welcome Suresh Albela. वेलकम बैक अलबेला जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने मुझे यहाँ पर बुलाया. अब मैं भी आपको कहीं बुलाऊं तो आप भी आ जाना. तो थोड़ा सा अब शुरू करते हैं. आप अपना स्थान ग्रहण कर लो और नहीं करो तो कोई बात नहीं है. देखते आपको रहेंगे और सुनते मेरे को रहेंगे. अलबेला जी, द स्टेज इज योर्स. शेखर जी नमस्कार. 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 अर्चना जी नमस्कार. नमस्कार जी. अभी आपने देखा शेखर जी, कोरोना काल आया, कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया. लॉकडाउन में दो ही लोगों ने देश की सेवा करी, एक तो पुलिस वालों ने और दूसरी डॉक्टर्स ने. हालांकि डॉक्टर क्या करते थे, जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी. पुलिस वाले कुछ नहीं पूछते थे. उनको तो जहां मौका मिल जाए उधर ही सैनिटाइज कर देते थे. मैं तो एक दिन शेखर जी मार्केट में बेसन लेने गया, आधे घंटे बाद सूजी लेके लौटा. लेकिन मैं ऐसी कोई फालतू बात नहीं करता. आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए कि कभी चाय की चुस्की में, कभी वाइन में तो कभी विस्की में, कभी टीवी में तो कभी अखबार में, स्पा जिम और कार में. अरे गर्मी तो गर्मी, तूने ठंडी को भी नहीं छोड़ा. किराना स्टोर से लेके सब्जी मंडी को भी नहीं छोड़ा. ससुराल तो ससुराल मेके में भी चला गया. अरे कमबख्त दारू के ठेके पर भी चला गया. बूढ़ा बच्चा जवान हर कोई तुझे झेलता है. तू विराट कोहली से भी अच्छा खेलता है. पर एक बात बता कोरोना, तू इन नेताओं की रैलियों में क्यों नहीं फैलता है. अच्छा मैं ऐसी कोई फालतू बात नहीं करूंगा. बोला अर्चना जी ज्यादा हंसती है या शेखर जी अभी भी जवान है. भाई दूसरे की जवानी से तुमको काय की चिढ़. अब पड़ोसन ज्यादा हंसेगी तो पड़ोसी जवान ही रहेगा ना, बीमार थोड़ी रहेगा यार. अब समझ में आया राज. बहुत खूब अलबेला साहब. थैंक यू सर. आज पता चला कि आपका नाम अलबेला क्यों है. क्योंकि आप वाकई अलबेले हैं. बहुत खूब. आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग द एक्साइटमेंट एंड द एनर्जी गोइंग अप वन मोर लेवल विद द क्वार्टर फाइनल्स. आर्न्ट दे? यस. ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शो. आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस? फाइव स्टार होटल में इनकी कोई भी पूरी नहीं हुई हसरत. ये जो भी करें हमें हंसाना ही है, इनकी फितरत. प्लीज वेलकम अपूर्व गुप्ता फ्रॉम दिल्ली. अर्चना जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. थैंक यू. आपकी तीन मूवी मेरी फेवरेट हैं. कौन सी? पहली राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आपने करिश्मा कपूर की मॉम का रोल प्ले किया था, है ना. दूसरी मोहब्बतें, प्रीतो जी का रोल प्ले किया था. और तीसरी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें आपने अंडरटेकर का रोल प्ले किया था. रिस्पेक्ट है आपके. रिस्पेक्ट. शेखर जी मेरी बहन रहती है कनाडा में और हर साल वो गर्मियों की छुट्टियों में आ जाती है. और जब भी आती है अपने साथ एक भारी भरकम चीज लाती है. अपना फेक एक्सेंट. हेलो अपूर्व, हाउ आर यू? हाउ फार इज चांदनी चौक? मैं कहा पहले तो गुटका थूक के बात किया कर मुझसे, हमसे बात किया कर. और मैं कहा चांदनी चौक का क्या करना, कहते आई नीड टू बाय लहंगा. लहंगा. तो मैंने निकाली हम सबकी फेवरेट कार 800. शेखर जी आपके पास भी होगी, अर्चना जी का भी आपके पास भी होगी.
उसको देख के वो बावली होगी, कहती ओह माय गॉड विंटेज कार, हाउ स्मॉल इज दिस। और लोगों को 800 के फायदे ही नहीं पता। शेखर जी, जैसे आपके पास महंगी कार है, उसको आप 20 सड़क पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। 800 को कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहते बम होगा भाई, इससे दूर हो जा, पक्का बम होगा इसके अंदर। अरे 800 इतनी तगड़ी कार है, वो सिग्नल भी तोड़ देना पुलिस वाला नहीं रोकता। कहता है इसको रोक लिया, बंद पड़ गई, जाम और लग जाएगा, धक्का लगाना पड़ेगा इसके चक्कर में। तो हम पहुंचे चांदनी चौक अपनी 800 में, और चांदनी चौक में अभी भी कुछ नहीं बदला। कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा है, मूंगफली के छिलके आपके सर पे गिर रहे हैं, पांव पे कीचड़ लग रही है। और जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो GPS बहुत यूज करते हैं। तो मेरी बहन वहां पे ढूंढे जा रही है, ये लहंगे शॉप कहाँ है, लहंगा शॉप कहाँ है, लहंगा शॉप कहाँ। मैंने कहा बहन सुन, GPS यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है सड़क, जो चांदनी चौक में नहीं है। अरे आज से 5-6 साल पहले काला बंदर आया था, वो भी छत पे ही कूदी मार के चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, इतनी भीड़ हो रखी है, बावले हो रखे हो क्या। और चांदनी चौक में इतने बेचू लोग हैं ना, वो पूछते हैं आपसे कि भाई साहब क्या चाहिए, तो आप बोलते हो लहंगा चाहिए, हाँ जी भाई साहब कौन सा, मनीष मलो होता सब्यसाची ऋतु कुमार। तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, मैंने कहा फर्स्ट कॉपी बना रहे हो क्या, कहता नहीं सर हम ओरिजिनल बनाते हैं, वो हमसे फर्स्ट कॉपी लेके जाते हैं। क्या बात। और इतने डेडिकेटेड होते हैं सेल्समैन, सब कुछ बेचना चाहते हैं। जैसे आप एक लहंगे पे हाथ रख दो, खुद पहन के दिखा दूंगा, हाँ जी दीदी कैसा लग रहा है। साड़ी पे हाथ रख दो, हाँ जी भैया जी कैसा लग रहा है। दो के बाद तो मैंने उसका हाथ रोक लिया, मैंने कहा ये क्या मजाक है, भाई दीपिका की फोटो लगा रखी है अंदर, सस्ता रणवीर कपड़े पहन के दिखा रहा है। खैर जैसे तैसे हमने लहंगा लिया, हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी, एकदम बारिश का सीजन चल ही रहा है। और बारिश में मैंने देखा दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बारिश आती है ना घर में एसी में बैठ के मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। उनके घर में बारिश नहीं आती ना तो वो शीशे पे स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बूंदों वाली पिक्चर क्लिक करनी होती है इंस्टाग्राम के लिए। और दूसरे होते हैं हमारे टाइप के, जिनके माइंड में होता है बारिश आ गई है समोसे मिल जाए, ओहो मजा ही आ जाए। और मैं परेशान हूँ समोसे वाले के क्वेश्चन से, आप बोल लो 150 समोसे चाहिए, उसका वही क्वेश्चन आता है खाने ले जाने। मैंने कहा ले जाने फिर खाने। और झूठ इतने तरीके से बोलेंगे, आप बोलो समोसे गर्म है, ठंडे समोसे पे आता है अभी निकाल लें, अभी निकाल लें, जस्ट राइट नाउ। तो मैंने बोला समोसा एक कितने का दिया, कहता है 25 रुपए का। मैं कहा काफी महंगा हो गया, कहता हाँ पनीर डाला है ना। इंडिया में पनीर डालने के कुछ भी महंगा कर देते हैं, और पनीर डालने, काजू डालने, किशमिश डालने। मैंने कहा सुन गाजर का हलवा बना रहा है क्या तू इसको। मैंने कहा ऐसा कर 10 का पनीर अलग कर ले, मेरे को बस समोसा दे दे। तो हम 800 में घर पहुंचे, तो मेरी बहन फिटनेस फ्रीक है अर्चना जी, आपको तो पता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, वो ना समोसे को ऐसे टिश्यू पेपर से सोखती है और फिर डाइट कोल्डिंग के साथ खाती है। तो मैंने पूछा ही क्यों करिए, कहती इसमें फैट होता है ना फैट, कार्ब्स होते ना कार्ब्स, ऑयल होता है ना ऑयल। मैंने कहा मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दे रहे हैं ना। तो जो मेरी बहन है वो समोसे खा दी थी, और फिर कहती अच्छा ऐसा करती हूँ मैं पापड़ी खा लेती हूँ, अब मसाला खा लो। अब होता क्या, हमारे घर में सब पापड़ी खा लेते हैं, एंड में किचन में आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को। फिर कहते हैं गुप्ता जी तोंद कम नहीं हो रही है, भाई आलू खत्म नहीं हो रहे मेरी लाइफ पे यार। तो फिर वो कहती है कैन आई गेट अ टी, चाय मिल जाएगा। और चाय एक पिए तो समझ में भी आता है, लोग 5-5-6-6 चाय पी लेते हैं, और उनसे पूछो चाय क्यों पीता है, आलस भगाती है भाई, सुबह पी के देख नींद खुल जाती है। मतलब दिल्ली की 42-45 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी लूंगा, गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है। तो आप पूछ तो भाई फिर चाय क्यों पी रहा है, भाई साहब लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटेगी। मैंने कहा अंगारे डाल ले, गर्मी गर्मी को काटेगी। और कॉफी कम लोगों को, यहाँ पे कितने लोगों को कॉफी बनानी आती है, काफी कम। चाय कितने लोगों को बनानी आती है, सबको। See, that's my point. सब चाय सबको बनानी आती है, और फिर भी अच्छी नहीं बना पाते। कुछ लोग उसमें अदरक डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, तुलसी के पत्ते डाल देंगे, फिर भी अच्छी नहीं बना पाते। मैंने कहा इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए। सही है। तो इसने चाय पी, तो मैंने इससे मजे लेने के लिए पूछा, मैंने कहा हाउ वाज द टी, चाय कैसा लगा। कहती पहले गुटका थूक के आ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस इज अपूर्व गुप्ता, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। अपूर्व तुमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेविटी के साथ
अपना एक्ट पेश किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. और जिस मुस्कुराहट से और जिस ईज के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सो आई लव्ड योर एक्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यार मैं जानना चाहती हूँ अपूर्व, दैट आप दिल्ली से हैं, करेक्ट? तो दिल्ली में और मुंबई में सिमिलैरिटी क्या लगती है आपको? मुझे लगता है सिमिलैरिटी दिल्ली बॉम्बे में नहीं, पैन इंडिया में एक चीज कॉमन है, जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट, वो हर जगह कॉमन है. एक तो इतना बड़ा बना देते हैं, इतने बड़ा, मतलब मैंने लोगों को खोते हुए देखा हुआ है वहां पे. मतलब एटीएम के पास अनाउंसमेंट हो रही थी, बच्चा पड़ा हुआ है किसी का, पड़ा हुआ रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं. पहले तो जिसका बच्चा, इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो, है जोकर बना के ले आते हैं. और एक वहां आप कभी भी चले जाओ, कितने भी लकी हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ दो चल रहे होंगे. बिल्कुल यार, हाँ. ये क्या, फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा. हाँ. 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 फिर आपकी 50 आइटम में से दो का बारकोड नहीं चल रहा होगा. हाँ. वो अपने साथ वाले को बोलेगा इसका दूसरा पीस लेके आ. हाँ. वो आधा घंटा घूम के आएगा, आपसे आके बोलेगा अरे सर लाए कहाँ से थे. हाँ. तो आप उसे बताते हो कि लाल मिर्च से राइट लेना, नमकीन से लेफ्ट लेना, फिर चिप्स आएंगे वहां से सीधा जाना, और फिर बिस्कुट आएगा उसके जस्ट नीचे, खा मत लियो, कुत्ते की बिस्कुट है, ठीक है. फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीस ही था. फिर ये और काउंटर वाला बंदा मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं. तो मैं सोचा था जब तू कर सकता था तो एक घंटे से उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहा है क्या है. फिर आपके पास चाहे 1.5 करोड़ आइटम हो, उसका वही क्वेश्चन आता है सर कैरी बैग कर दो. कैरी बैग बंद है तो कैरी बैग. मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूँ. तेरी खुशी के लिए ऑक्टोपस, फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना. फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 1900 रुपए का है. कर दूं, आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती, वो 1900 रुपए यहाँ चुभ रहे होते एकदम यहाँ. तो यही सिमिलैरिटी लगती है मुझे तो पूरे इंडिया में. बहुत अच्छा. अपूर्व ये बताइए, आप जब यहाँ आए जी और पहली बार परफॉर्म किया, तो घर वालों ने जब आपको टीवी परफॉर्म करते देखा तो किस तरह से रिएक्ट किया? मैं ना लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेता, स्पेशली घर वालों को, क्योंकि जो हम लोग है ना, हम अभी कंफ्यूज ही हैं, बहुत भोले हैं. हमारा जो स्क्रिप्टेड शो होता है उसमें तो हम बावले हो जाते हैं मेरे घर वाले की, देखो कितना ओरिजिनल दिखा रहे हैं, मेरी सास भी ऐसा ही करती है, मेरी बहू भी, जिसमें वो लिखा हुआ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है. और रियलिटी शो में करेंगे सब डिसाइडेड होता है भाई साहब, सब डिसाइडेड होता है, कुछ नहीं हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, सब डिसाइडेड है. गाना तो पहले ही गा लेते हैं, यहाँ तो मुंह हिला रहे होते हैं ये लोग. तो उनकी बातों को सीरियसली लेने का कोई पॉइंट है नहीं, मतलब ना घर वालों को. प्रशंसा मिली ना पेरेंट्स से आपको, दोस्तों से, नेबर से, वो तो मिलती है. थैंक यू सो मच शेखर जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बॉलीवुड की डायलॉग बाजी के साथ लाफ्टर की बाजी जीत कर दिखाया इन्होंने अपना हुनर. क्या इस बार भी ये जजेस की हंसा हंसा कर करेंगे छुट्टी? लेट्स फाइंड आउट. प्रेजेंटिंग द बॉलीवुड बॉयज गौरव दुबे एंड केतन सिंह. हमारे पिछले डिबेट के अपार सफलता के बाद और हमारी जीत के वजह से एक बार फिर से पेश एक खिदमत है, मेरा डिबेट वाला शो, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पर मेरे ओपिनियंस के आगे आप लोगों के लॉजिक्स की कोई औकात नहीं है. कुछ अहम मुद्दे यहां पर मैं लेके आया हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ अहम मुद्दे जो मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं. उनमें से कुछ मुद्दे, सबसे पहला, ये जो डिनर सेट होता है इस पे हम लोग लंच खा सकते हैं क्या? सेकंड, बहुत अहम मुद्दा, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे. व्हाट हैव ही डन टू दिस मासूम कबूतर, वो अटरिया पे क्यों लोटन कर रहा है? All of this later tonight. लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है सोशल मीडिया. ये जिंस्टा, ये फेसबुक, ये ट्विटर, जो हमारे हमारे समाज को खोनकला कर रहा है. खोनकला सेम कर रहा है. समाज को दीमक की तरह
चांट रहा है ये। चांट रहा। क्या आप सब लोगों को चांटना इतना पसंद आया? Anyways, एक वक्त हुआ करता था शेखर सुमन जी कि जब वायरल होता था तो लोग उसका इलाज कराते थे, अब उन्हें वायरल होता है तो पता है वो क्या करते हैं? फकर करते हैं। कंट्रोल रूम, डिड आई प्रोनाउंस दैट राइट? सो टू बिगिन द डिबेट आई'd लाइक टू कॉल द फर्स्ट गेस्ट ऑन द पैनल, लेडीज एंड जेंटलमैन। लवली, बहुत बढ़िया। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिथुन टुन 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 टुन। गाइस, अरे यार, अरे यार, अर्चना आई लव योर पूरन रे, अरे यार शेखर आई लव योर सुमन रे, अरे यार रोशल अपना काम कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अधेड़ उम्र में ऐसी बचकांड हरकतें करना कोई मामूली बात नहीं है, सामूहिक लेवल पे बेइज्जती कराते हैं ये, काबिले तारीफ है मिथुनदा। अरे ये मैं अकेला नहीं हूँ जो बचकांड हरकतें करता हूँ, ये भी है। ए, नो। अबे ये भी जो नाम लिखा है ये अच्छा। I'd like to introduce my next guest on the panel, ladies and gentlemen. तू न मारी एंट्रिया तो दिल में बजी घंटिया रे टन 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 टन। Ladies and gentlemen, Ajay, Shiv, Gun, 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 Gun. Please welcome. जी जी जी। शुरू 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 Just one second, ladies and gentlemen. Ajay ji, आपके मुंह के अंदर जो केसरी भरा है वो थूक के बात कीजिए। Ajay ji, once and for all, इस दुनिया के लिए क्लियर कर दीजिए कि आपकी गर्दन टेंढ़ी क्यों रहती है? वो एक्चुअली क्या है कि फूल और कांटे की तरह मैंने बाइक पे दो पैर रख के हाथ में फोन लेके रील बना रहा था। शादा कुत्ता टॉमी, टॉमी कुत्ता शादा, शादा कुत्ता टॉमी। और तभी अचानक बीच में खंभा आ गया और मेरे फूल और कांटे टूट गए और गर्दन भी टेढ़ी हो गई। ओह माय गॉड, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दुर्गति हो रही है मानवता के साथ। एट दिस पॉइंट आई'd लाइक टू इंट्रोड्यूस माय नेक्स्ट गेस्ट, सन सन ना 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 सन सन ना ना ना, प्लीज वेलकम रवि जी सी सन। अब आ चुके हैं बाबू, नहा धो के फ्रेश होके गंगा जी में डुबकी लगाए, पांच का सिक्का पाया। एंड जहां चार यार मिल जाए वही रात ले गुजर, प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट खिलाड़ी कुमार। ओहो ओ क्यों थक रहे हो? क्यों थक रहे हो? मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी करोगे? खिलाड़ी कुमार, बिहेव योरसेल्फ, रोशेल के पास से दूर हटिए वरना मैं ट्विंकल को बता दूंगा तो वो आके आपका लिटिल स्टार निचोड़ देंगी। है क्या बोलता तू मेरे को? है ये बता, ये शाम के 4 बजे मेरे डिनर का टाइम होता है, मुझे क्यों बुलाया? ऑल राइट, मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोग को एक बार फिर कि बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, बुड्ढा बुड्ढी, छोकरा छोकरी, सब लोग मोहताज हो चुके हैं सोशल मीडिया के, तो क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस पर हम डिबेट करेंगे ऑन अ पर्सनल लेवल। रवि जी, आई'd लाइक टू आस्क यू, क्या आप सोशल मीडिया चलाते हैं? हाँ बाबू, हम चलाते हैं, जब कभी नहीं चलता तो किक मार देंगे।
फिर भी नहीं चलता, उसको टेढ़ा करते हैं। फिर उसके साइलेंसर जो कचरा फंसा होता है उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं और चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। वन सेकेंड रवि जी, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे बाइक कहते हैं। लो बाबू, बाइक तो उसे कहते हैं जहाँ हम स्टोरी बनाते हैं, फोटो डालते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जहाँ 12-12 घंटे हम बर्बाद करते हैं। हम तो कहते हैं शराब से भी गंदा नशा हो गया, इसको बैन करना चाहिए। बैन। Did you all notice? बहुत इनका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। करो करो टेस्ट करो। रवि जी, ये फूल लीजिए तो जरा, इसे सूंघ के बताइए। अच्छा है, गेंदे का फूल है। अच्छा, एक बार इसे नजदीक से देखिए। अद्भुत। अच्छा, इसे इसे खाने की कोशिश करिए। बस समझ गए, समझ 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 गए। पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। नाउ मिथुनदा, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके हिसाब से ये सब, ये सोशल मीडिया, ये जिंस्टा, ये सब बैन होना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें अजीब अजीब हरकतें करके लोग अपलोड करते हैं, नौटंकी करते हैं, फफुंदरी करते हैं। अगर यही सब करना है तो मैंने जो 40 साल इंडस्ट्री में दिया है, अरे वो देखो रे, मेरी फिल्में देखो, गुंडा पापी गुड़िया वो सब देखो, वो अगर देख लोगे ना तो मुझे लाइफ टाइम बकचोनर अवार्ड दोगे। अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। एक तो साउथ वाले एड़ी रगड़ रगड़ के हमारी फिल्मों को रगड़ दिए। क्यों बैन? अरे कोई तो ऐसी चीज हो। Nice, ladies and gentlemen. At this point, I'd like to open the debate. जहाँ पर रवि जी कहते हैं कि वो बुरी लत है, शराब से भी बुरी लत, उसे बैन होना चाहिए, and Akshay is saying कि हाँ, इसे रहना चाहिए। आप दोनों के पास 20 seconds. Please open the debate. बाबू, अक्षय वा तो चाहता है कि सोशल मीडिया चालू रहे ताकि ये जो है अपना विज्ञापन करता रहे। हम तो कहते हैं इसकी जो लास्ट पिक्चर आई थी ना, उसको सोशल मीडिया पे अगर स्टोरी में डाल देता 15 सेकंड, वो ज्यादा चलती। झगड़े पे नमक छिड़क रहा है तू, झगड़े पे बाप को मत सिखा, बाप को मत सिखा। बाबू ये सब नहीं है, हाथ पीछे। अब हम देखना अपनी उंगली से कैसे इनकी नाभि में घुसेड़ते हैं। तू दे, तू दे। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। रवि जी, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ डबिंग चल रही है। डबिंग नहीं, डिबेट चल रहा है। बोथ ऑफ यू स्टॉप, स्टॉप नाउ। एक्स्ट्रा करेगा मैं भूल जाऊंगा। वन सेकेंड रवि जी, जो आपने किया ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट्स माय ब्लेजर। Illogical and senseless बातें कर रहा है आदमी, इसका आपको कोई हक नहीं है। कारण की जेवहा मी बोलतो तेवहा फक्त मीच बोलतो, कळलं पाहिजे तुम्हाला। बाबू, yes, राजनीति में जैसे ही बदलाव आ गया तुम्हारा तो भाषा ही बदल गई। चले गुवाहाटी। फॉर सर्टन रीजन मेरे शो पे हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। कोई फालतू की बातें हो तो बताइए आप लोग तीनों। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोशल मीडिया यहाँ पर जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश जो कि मेरी मातृभाषा है, इसकी द्रुतगति की जाती है, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। Ladies and gentlemen, what is this language? What is lol, rofl, mao, lamao? अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो भाषा होती है, शॉर्ट फॉर्म्स, क्या आप इसका समर्थन करते हैं?
हाँ मैं समर्थन करता हूँ, मैं पूरा समर्थन, मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म जिंदाबाद। मैं तो चाहता हर चीजें छोटी हो जाए, छोटी छोटी शॉर्ट हो जाए। ये लंबे लंबे डायलॉग मैं बोल भी नहीं पाता। मैं तो कहता हूँ फिल्म रिलीज करो, डायलॉग व्हाट्सएप कर दो। आलस की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं हम लोग। अच्छा, ये आलस अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे समाज का क्या होगा? मोने पोरे रूबी रॉय को भी था तुम्हें के एक दिन कोठो कोड़े देखी चीले दीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर मैं आपको साफ साफ कह दूं कि आलस से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हमें लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए। मिथुन ना मेरा पेन गिर गया प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को यही सोच बदलनी है। सोच? हमें वायरल नहीं, हमें रिलायबल होना होगा। वाह वाह। मेरे जैसा एक जिम्मेदार नागरिक जो आज अपने फील्ड में इस देश को जोड़ने का काम कर रहा है। We have to make sure, ladies and gentlemen, कि कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया पे मेरे बातों में लॉजिक्स लगा के मेरे काम पर पानी ना फेरे। इसलिए हमें यह सोशल मीडिया बंद करना होगा। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो। सोशल मीडिया बंद करो। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां सोशल मीडिया बंद करो। बंद करो। That was all for the debate. Thank you, Muthinda. Apai. मैंने सुना आपने नई गाड़ी खरीदी है। अरे हाँ, मेरी चाबी कहाँ गई? मैं उस पे एक रील बनाना चाहता हूँ। Please, please. मेरी चाबी। Start, start. Aish. BB. Aish. Aish. Oh my God. गौरव और केतन, तुम दोनों अब ऐसी जोड़ी बन गए हो जिसने हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची कर दी हैं। ये जो आपने बारीकियां, वो त्रुटियां भाषा की और जिसका आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे थे वो आपने इतना खूब किया। और ये पागल पागल इंसान क्या कर रहा था, लेकिन इतना कमाल कर रहा था। लव यू बोथ एंड गॉड ब्लेस यू। यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और कभी कभी देखो पागलपन में बेवकूफियां आ जाती हैं। इडियसी तो रहती है, लेकिन इंटेलिजेंट इडियसी, वो पागलपन के पीछे एक मकसद और एक सोच, और उस सोच को सलाम, क्योंकि वही सोच इस परफॉर्मेंस को तमाम दूसरे परफॉर्मेंस से अलग कर देती है, जुदा बनाती है। सो यू फैंटास्टिक। गौरव और केतन, आप दोनों कॉमेडी की होप और लाफ्टर की टॉप हो। Congratulations to the Bollywood boys one more time, ladies and gentlemen. Adabud. 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 हरियाणवी लोगों से पंगा ना लो, ये कॉमेडी के ताऊ होते हैं। अपनी कॉमेडी से गुस्सन मारने आ रहे हैं सुंदर कटारिया फ्रॉम हरियाणा। आर्ची मैडम नमस्कार। नमस्ते सुंदर। शेखू सर प्रणाम। प्रणाम। हरियाणा के लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। और शादीशुदा हूँ फिर भी हर दिन खुशी से गुजार लेता हूँ। अगली एक बार गुस्से में देखे दो तीन थप्पड़ और चार पांच बेलन खुद ही खुद को मार लेता हूँ। और शेखू सर वो अब भी टीवी पे देख रही होगी और मैं अब भी कॉन्फिडेंस में खड़ा हूँ।
सुरेंद्र भाई आप क्या सोच रहे हो? मैं मोटा हो रखा हूँ, ये आपका वहम है, मैं तो सूजा पड़ा हूँ। अच्छा हमारे यहाँ लड़कियों की बहुत कमी है। कुछ लोग तो सरपंच जी इतने घोर कुंवारे हैं कि वो सारी जिंदगी भी ताश खेलते रहे ना तो उनके बेगम नहीं आती। शेखू सर हालात तो ये हो रखे हैं कि अगर कोई गौशाला का चंदा मांगने भी आए ना तो उनके जाने के बाद पड़ोसी बाहर निकल कर पूछते हैं लड़की वाले थे क्या। अच्छा जितनी लड़कियां बची हैं उसमें से 40% तो रेसलर है, कर लो शादी। 40% बॉक्सर हैं, 10% खूबसूरत इतनी है कि उनके लायक हम नहीं है। लॉजिक। और सुरेंद्र भाई जो 10% बची वो भुखमरी की शिकार है। ऐसा नहीं है कि उनके घर में खाना नहीं है, फिगर मेंटेन करने के चक्कर में उनको खाना नहीं। तो मैं तो यूं कहता हूँ कि घी तेरे से हजम नहीं होता, दूध दही तू पी नहीं सकती, प्यार तेरे से खाक करूंगा, ब्याह तक भी तू जी नहीं सकती। हड़की सी बूंदे नहीं तूफान निकला जी, पूर समझे बैठे थे हैवान निकला जी। और मेकअप में उसने हकीकत को छिपाया इस कदर, समझे उसे चंदा वो चंदर बहान निकला जी। और शेखू सर ऐसे चंदर बहान की बात बताता हूँ, सुनिएगा, कि शरीर का कड़का एक पतला सा लड़का, कानों में बाड़ी, हाथ में कड़े, बाल भी जरूरत से ज्यादा बड़े, आईब्रो बनवा कर, लिपस्टिक लगा कर, फैशन में घुटकर, इतना बड़ा हो गया कि जैसे ही मेट्रो में चढ़ा एक भाई लेडी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। अच्छा शेखर जी हो सकता है वो लड़का बुरा मान गया हो। अच्छा हमारे हरियाणा में सरपंच साहब कितनी गजब बेइज्जती होले। अच्छा हम बुरा नहीं मानते। वो एक बंदे की अपनी घरवाली से लड़ाई होगी, बंदा घर से निकल गया, कई दिन आया ही नहीं, तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ ये पिताजी ने कहीं और शादी तो नहीं कर ली। माँ ने एक रैपटा मारा, बोले बदतमीज तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है, अरे हो सकता है वो किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। वो मुझे याद आ रहा है जब हम छोटे थे ना, एक सच्ची बात बता रहा हूँ, छोटे थे तो पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने जाते थे रात को, तो शेखू सर लाइट चली जाती थी गांव में, लाइट चली जाती थी तो बच्चे एक दूसरे को मारते कूटते थे। एक दिन ऐसे ही लाइट चली गई, अर्चना लाइट आई, एक बोला मास्टर जी इसने मेरी कमीज फाड़ दी, एक बोला मास्टर जी इसने मेरा जोड़ा फाड़ दिया, एक बोला मास्टर जी इसने मेरा थप्पड़ मारा, मास्टर बोला अरे बदतमीजो चुप हो जाओ, अरे ये बताओ मेरी धोती कौन खींच लेगा। और हम तो शेखू सर अगर बेइज्जती करते तो माफी भी मांग लेते। वो एक बैंक अधिकारी ने अपने क्लर्क को कहा, बोले अरे बलवीर जी हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, और तना उनके साथ बदतमीजी करी, और मेरे सामने फोन करके माफी मांग। उसने फोन मिला दिया, हेलो बलवीर जी बोल रहे हो? बोले हाँ बोल रहे हूँ, कौन बोल रहे हैं? बोले बलवीर जी वो मैंने आपको कहा था ना कि बाढ़ में जा तू। बोले हाँ कहा था। बोले तो अब मत जाना। और शेखू सर हम बिल्कुल भी खाली नहीं बैठते, हम कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं। रोहित भाई जैसे भूत के साथ बैठ के बीड़ी पीना, या उनसे कुश्ती लड़ी होगी। हमारे गांव में लोगों पे भूत सवार नहीं होते, बल्कि भूतों पे लोग सवार होते हैं। और आरती मैडम सच्ची बात बताऊं, हरियाणा का तो भूतों में खौफ इतना है, एक भूत ने दूसरे से कही, बोले रे तने कभी जाट देखा है? है बोले जाट जूट कुछ नहीं होता है, तो मन का वहम है, रोज अपनी कवर पर दिया जला के सोया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साहब, अति सुंदर, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा आपने, और जो फ्लेवर लेके जो आप आए और थ्रू आउट उसका जो आनंद आपने हमें दिलाया वो बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय था, बहुत खूबसूरत आपने परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया।
जिस तरह से आप अपनी कॉमेडी पेश करते हैं ना, वो बाकी सबसे बहुत यूनिक है सुंदर, क्योंकि आप बहुत ही सटीक चीज बोलते हैं लेकिन उसे बहुत ही प्यारे और हरियाणवी तरीके में जो बोलते हैं वो मेरे लिए पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक बात तो सुंदर कटारिया जी, आपने कहा भाई हरियाणा में लड़कियों की कमी है जी, मैं चार लाइन इस पर सुनाना चाहता हूँ कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो फिर भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। अपने दमदार अंदाज से उन्होंने सबको किया था इम्प्रेस। अब कॉमेडी का एक और चैप्टर लिखने आ दिया है हिमांशु भवंतर फ्रॉम उज्जैन एमपी। आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अब शेखर जी आप देखिए, सबसे खूबसूरत सेट पर रोशेल हैं, लेकिन पिछले कुछ एपिसोड में इन्होंने 2-3 कंटेस्टेंट के जो गाल खींचे हैं, मेरी छाती पे सांप लौटे। और रोशेल जी मुझे उस समय दो चीज समझ में आई कि बेशक आप निहायत ही खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी चॉइस कुछ ठीक नहीं है यार। सही कह रहे हैं। पर भगवान का वरदान है, खूबसूरत लड़कियां टाइम मशीन की तरह होती हैं, जिनको देखकर बुजुर्ग भूतकाल में और युवा भविष्य काल में चले जाते हैं। बहुत खूब। तो मित्रों रहते हैं चैन से, आए हैं उज्जैन से, और हमारे उज्जैन के लोगों की दो खासियत है, पहली के वो आलसी हैं, और दूसरा कि वो बहुत बड़े आलसी हैं। हम इतने बड़े आलसी हैं कि कोई हमको गाली देता है ना तो हम पलट के जवाब भी नहीं देते। मेरे एक आलसी दोस्त से मैंने कहा जामुन खा ले, तुरंत बोला गुटली तेरा बाप थूकेगा। मेरे पिताजी भी बहुत बड़ा आलसी है। सरपंच महोदय, मेरे पिताजी अगर आलसी ना होते तो आज मैं 5 साल और बड़ा होता। बढ़िया। और शेखर जी मैं तो कहता हूँ सरकार को आलसियों के लिए कुछ करना चाहिए, क्या? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, और इनके कुछ ना करने से दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या बढ़ती आबादी। उसमें केतन भाई आलसियों का 0% योगदान है। हालांकि ये बात अलग है कि कोई उसके वोटर आईडी कार्ड पे कोई फर्जी वोट डाल के चला जाए। आदरणीय महोदय, आज उस विषय पे बात करते हैं जिस विषय का नाम सुन के ही हंसी आ जाएगी, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आदमी वो होता है जिसके जीवन में रोंगटे खड़े होने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती है। हम हमारी सैलरी भी किसी को नहीं बताते, क्योंकि अगर कम बताओ तो केतन भाई जैसे दोस्त इज्जत नहीं करते, और ज्यादा बताओ तो गौरव भाई जैसे उधार मांग के ले जाते हैं। मिडिल क्लास आदमी के घर में दो चीजें बहुत ज्यादा फटती है, जिसमें दूध 2nd नंबर पे आता है। मिडिल क्लास लाइफ जी सब रहे हैं, समझ में किसी की नहीं आ रही। सर मिडिल क्लास के लिए क्या है आप बताइए ना। मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो किसी हीरो के पिक्चर की टिकट खरीदता है तो रातों रात उसको स्टार बना देता है। जब वो हर छोटी से छोटी चीज का टैक्स देता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार देता है। जब वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा तिलक अपनी उंगली पर करता है और वोट डालता है तो सरकारें इस देश में बन जाती है। और उस मिडिल क्लास को मिलता क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिडिल क्लास के बच्चों को आपको कमाना सिखाना नहीं पड़ता, हम बचपन से कमाऊ होते हैं। अर्चना जी मेरी पहली कमाई 10 रुपया। अच्छा। उम्र 6 वर्ष। वाह। काम रिश्तेदार को नाच के दिखाया। और मिडिल क्लास में जो पैसा होता है वो धड़कन पिक्चर के सुनील साहब की तरह होता है। कैसा? जो आपसे कह रहा होता है
तुम मुझे बचा लो, ये हो नहीं सकता। और मैं तुम्हारे पास बच जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। गौरव भाई, आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल क्लास का पैसे से वैसा ही रिश्ता है जैसा मेरा सुनील साहब की मिमिक्री से है। आदतें बड़ी कमाल की होती है। मेरी बीवी की आदत मेरी हर बात में बेइज्जती करती है। पिछले दिनों उसने एक ऑटो वाले को हाथ दिया, बोले स्टेशन का कितना, बोले 250 रुपया, बोले और अगर मेरा हस्बैंड भी चले तो, बोले तो भी 250 रुपया। मेरी तरफ घूम के घूर के देखा, बोले देखा, मैंने कहा था ना दो पैसे की औकात नहीं तुम्हारी। वो गंदी गंदी आदतें होती है शेखर जी, हमारे भारत में दीवार पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर लिखकर बताई जाती है। एक शासकीय बैंक में मैंने देखा दीवार पर लिखा हुआ था, कृपया अंगूठा लगा के दीवार से ना पोछे। तो इस पे दो बातें करने लग गए, बोले अगर उसको पढ़ना लिखना आता तो वो अंगूठा क्यों लगाता। तो दूसरे ने जवाब दिया, बोले हो सकता है उसको केवल पढ़ना आता हो। और आप देखो बैंक वालों की आदत, आप सब इस आदत से परिचित हो, आप इनके पास कभी भी चले जाओ ये एक ही बात कहते हैं, अभी लंच ब्रेक चल रहा है। क्योंकि माल्या साहब लोन चुकाने आए थे। उन्होंने लोन स्टेटमेंट मांगा, इसने कहा कि अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि इधर से माल्या साहब लंदन चले गए। अच्छा अर्चना जी, एक बैंक कर्मी की वाइफ ने रात को 12:30 बजे बड़े रोमांटिक मूड में उससे अपील की, और उसने अपनी आदत के अनुसार कह दिया, छोड़ो यार आज सर्वर डाउन है। आधी घंटे तक उसकी वाइफ ने तांडव देखे, फिर आधी घंटे बाद बोली, बोले ये बेरुखी और बेवफाई नहीं सहन कर पाऊंगी, अपना सर्वर जल्दी से रिस्टोर कर लो वरना मैं काउंटर नंबर 4 पर चली जाऊंगी। बहुत बढ़िया भवंडर साहब, थैंक यू सर। पिछले बार की तरह आप इस बार भी पूरी तैयारी के साथ आए, पूरी मुस्तैदी के साथ आए, पूरी ताकत के साथ आए, पूरी ऊर्जा के साथ आए, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपके लिए तालियां बजाऊंगा। यू आर वेरी वेरी गुड हिमांशु। हालांकि स्टैंड अप ह्यूमर का मकसद होता है आपको हंसाना, आपने लेकिन अपने व्यंग के द्वारा हमें सोचने पर भी मजबूर किया। यू हैव एंटरटेन्ड अस, लेकिन आपने जो जो बोला है मिडिल क्लास के बारे में और उसे हमारे सामने ह्यूमर द्वारा जो पेश किया है वो बहुत ही बेहतरीन था। फॉर योर ऑब्जर्वेशन, योर सटायर एंड योर ह्यूमर, थैंक यू। हिमांशु जी, जी भाई, असली मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो माथे पे लगाने वाला तेल भी मुंह पे ही लगाता है। मिडिल क्लास आदमी सर वो होता है जिसके घर में पनीर की सब्जी भी तब बनती है जब दूध फट गया हो। कॉमेडी में ये चौके और चक्के लगा चुके हैं, क्या आज भी ये करेंगे लाफ्टर की धुआधार बल्लेबाजी? प्लीज वेलकम रोहित शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। नमस्कार जजेस। नमस्कार खम्मा गणी सरपंच साहब। अम्मा गणी, देखो मैं लास्ट परफॉर्मर हूँ, मेरे बाद डिनर ब्रेक है। मतलब आप समझ लो आपके और खाने के बीच में मैं ही हूँ। अगर आपने मुझे हंस करके तालियां बजा करके सुन लिया तो मैं जल्दी माइक छोड़ दूंगा। अगर आपने नहीं अच्छे से सुना तो डिनर टाइम तक यहीं खड़ा रहूंगा। खाने पीने का नाम आए और अर्चना जी आपका नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। शेखर जी को देख लो, शेखर जी तो फुलके भी खुल के नहीं खा पाते, डर लगा रहता है कि कहीं फुलके जैसा ना फूल जाऊं। शेखर जी लेकिन आप दुनिया से अलग हो, क्योंकि एक ही किस्सा है जमाने में, दुनिया उलझी हुई है खाने में।
इतने खाऊ लोग हैं, इतने खाऊ लोग हैं कि खाने के बाद पचाने के लिए भी खाते हैं। हम लोग तो कहीं घूम कर भी आए ना, तो लोग ये नहीं पूछते कि कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या खरीदा, क्या क्या किया, नहीं, लोग यही पूछते हैं क्या क्या खाया। मतलब आप तो देखो शेखर जी, हमारे यहाँ खाने पीने को लेकर के कहावतें भी बड़ी अजीबो गरीब है। खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। इसमें भी खाओ ही पहले है। खाने पीने का कल्चर ना बहुत तेजी से बदला है अर्चना जी। आजकल की मम्मी अपने बच्चों को कितने ऑप्शन देती हैं खाने में कि बेटा तू बर्गर खाएगा या पिज्जा, फ्राइज खाएगा या पनीर। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारी माँ तो बस एक ही बात कहती थी कि बेटा रोटी खाएगा या चप्पल। अच्छा, मम्मी की अपनी स्ट्रेटजी थी, मेरे दादाजी की अपनी स्ट्रेटजी है जी। मेरे दादाजी से तो कोई भी पैसे मांगने वाला आ जाता है ना कि 20 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, खाना खाना है, तो दादाजी कहते पैसे नहीं दूंगा, तू खाना खा ले। परसों एक आदमी आके शेखर जी घर पे बोले बहुत परेशान हूँ, 2000 रुपए उधार दे दो, जहर खाने का भी पैसा नहीं है। दादाजी बोले पैसे तो नहीं दूंगा। लेकिन डॉक्टर के पास अर्चना जी आप जहर खा के जाओ या खाली पेट जाओ, वो एक ही सवाल पूछता है कि रात को खाने में क्या खाया था। बहुत रिसर्च के बाद शेखर जी मुझे पता चला कि डॉक्टर ये सवाल क्यों पूछते हैं। क्यों? अगर आपने खाने में वड़ा पाव बताया तो बिल 500 रुपए, गलती से बिरयानी बता दी तो 5000 रुपए गए। आपने देखा होगा अक्सर अर्चना जी कि हमारे यहाँ खाने पे बुलाने का कल्चर है। लोग कहते हैं कि हमारे घर खाने पे आइए, हमारे घर खाने पे आइए। और एक और बात आपने नोट की होगी कि खाने पे अक्सर हम उन्हें ही बुलाते हैं जिनका पेट भरा हुआ होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बोले। भूखे आदमी को कोई नहीं बुलाता अर्चना जी ना। आपने कभी मुझे बुलाया क्या खाने पे? मुझे भी किसी ने बुलाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में शेखर जी हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कोई कुछ ना कुछ खा रहा होता है। क्या बात, बहुत गहरी बात। ईमानदार आदमी धोखा खा रहा होता है, बेईमान आदमी कमीशन खा रहा होता है। बिल्कुल सही। पढ़ा लिखा आदमी दिमाग खा रहा होता है और गरीब आदमी गाली खा रहा होता है। और नेता जीतने के बाद शपथ खाता है और मंत्री बनने के बाद क्या खाता है बताने की जरूरत नहीं है। शेखर जी, मैं तो राजनीति पर व्यंग करता ही नहीं, क्योंकि राजनीति का स्तर हमेशा नीचा होता है और व्यंग का स्तर हमेशा ऊंचा होता है। और भरोसा नहीं हो तो देख लो, महंगी महंगी गाड़ियां मुंह देखती रह गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया देश में। क्या बात है। लेकिन सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, हर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करने पे लगा है। कल्चर तो बदला है शेखर जी। पहले लोग प्यार से बनाते थे और प्यार से खिलाते थे, अब ऑनलाइन मंगाते और कुत्ते जैसा खिलाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ अर्चना जी कि हम लोग गुरुजी से चले थे और 4G पे आ गए। बहुत खूब। शेखर जी, नेट को हिंदी में जाल कहते हैं। जाल में पहले मछलियां और चिड़ियां ही फंसती थी। बिल्कुल। पर अब तो पूरी दुनिया फंसी पड़ी। बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने ही अपने आप को अपडेट किया, हमने भी किया। जैसे पहले हम गुस्सा होने पे श्राप देते थे, अब गुस्सा होने पे ब्लॉक कर देते हैं। वो भी श्राप ही है। बिल्कुल। और एक बात से आप सब एग्री करेंगे, दावा करता हूं कि सोशल मीडिया पे जब किसी लड़की से दोस्ती होती है ना, तो भले ही शादी जैसी फीलिंग ना आए, पर ब्लॉक होने पे तलाक जैसी फीलिंग जरूर आती है। फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत अलग है शेखर जी। मेरा तो दर्द आप एक शेर के माध्यम से सुनिए कि किस्मत अजमा चुका हूँ, मेहनत अजमा रहा हूँ,
सोशल मीडिया पे एक लड़की पटाने के चक्कर में 17 लड़के पटा चुका हूं। लेकिन पटाने के बाद का मेरा अनुभव है कि गर्लफ्रेंड कोई काम आए ना आए, पासवर्ड के जरूर काम आती है। बिल्कुल। लेकिन मोबाइल की लत से कोई नहीं बच सकता, चाहे अमीर हो या गरीब, आम हो या खास। तब सुनाना चाहता हूं एक बात कि उसे आना था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टक्कर में, नई चाल चली मैडम ने वायरल होने के चक्कर में। बॉयफ्रेंड से कहा वीडियो बना लेना, जैसे ही नोट डालूं भिखारी के कटोरे में। हाय हाय। प्यार तो अंधा होता ही है, बात मान ली छोरे ने। 500 का नोट देकर वायरलता की दुनिया में अपना नाम बढ़ा लूंगी। और कैमरा ऑफ होते ही 500 का नोट लेकर 50 का नोट पकड़ा दूंगी। क्या बात। ऐसी ही थी उम्मीद, ऐसी ही थी आशा, लेकिन नए जमाने के भिखारी ने पलट दिया पासा। नोट लेते ही वो बोला, मैडम काहे अपना सब्र खो रही हैं? वो देखिए मेरे मोबाइल से आप लाइव हो रही हैं। क्या बात। शेखर जी, अर्चना जी, ऐसा ही मंजर अब हर जगह नजर आने वाला है। मैडम का तो पता नहीं, भिखारी बहुत जल्द रियलिटी शो में नजर आने वाला है। हम लोग शेखर जी टेलीफोन से चले थे और मोबाइल तक आ गए। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक फोन वायर से बंधा हुआ था, इंसान आजाद था, और जब से फोन आजाद हुआ है, इंसान फोन से बंधा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पर नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। आज मैं बेबस हूं, लाचार हूं, कोई बस नहीं चल रहा है, मेरी आंखों के सामने ही मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं, इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने मेरे बच्चे का बचपन देखा भी नहीं और इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। लेकिन पूछना चाहता हूं इस दुनिया से कि दुनिया तेरे रंग में क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं? वीडियो कॉल पर क्या एक दूसरे के आंसू पोंछ सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी खुशी में बड़ों का पैर छूना, गले से लगाना, पीठ थपथपाना, वाह वाह वाह। पिता का कुर्ते के जेब से रुपया निकालना और कहना मन में जो आए वो खाना। शेखर जी, क्या इस व्यवस्था को कोई यंत्र अपने भीतर समा सकता है? माँ को छूने से जो सुख मिलता है, क्या वो लैपटॉप की स्क्रीन छू के कोई पा सकता है? बहुत फॉर्म में आप। लेकिन ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन बैठकर ये जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है। रोहित, आज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी भावनात्मक बातें, इतनी खूबसूरत बातें, इतने बढ़िया तरीके से हमें बताया। मैं सच कह रहा हूं कि मेरी आंखें नम हो गई आपको सुनते सुनते। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा मानना है कि कॉमेडी का जो एक मैदान है जिसमें आप लोग उतरे हैं, वहां पर कोई भी कॉमेडी कम, हल्की या ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। हर किस्म की कॉमेडी ज़रूरी है। हंसाने के लिए गुदगुदाना कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी सोचने पर मजबूर करना भी ज़रूरी होता है, जो आपने किया है। आपने कहा आप राजनीति पर व्यंग्य नहीं करते हैं, क्योंकि व्यंग का स्तर ऊंचा होता है। आज आपने उसी व्यंग का स्तर और भी ऊंचा किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खूब।
यार बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया बात तो मेरे को वो लगी कि आदमी तब तक आजाद था जब तक वो लेड लाइन की उस चेन से बंधा हुआ था, मोबाइल आते ही खुद बंध गया। और हो भी रहा है, पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे जी, आजकल गैलरी छिपा रहे हैं। गैलरी छिपा रहे, सही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए लेट्स हियर फॉर वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। ये हमारे पांच दावेदार थे जिन्होंने हमें जमकर हंसाया, लेकिन इनमें से कौन जाएगा आगे, रिजल्ट्स मेरे हाथ में है। इनमें से एक ड्यूओ ने सेंचुरी मारी, गिव इट अप फॉर गौरव दुबे एंड केतन सिंह। और उनके साथ आगे जाने वाले हैं हिमांशु बवंदर। वाह, सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, यू आर इन द सेमीफाइनल। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। लाफ्टर एक ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग हमेशा आपके लाइफ में रहेगी। सो कीप ऑन वॉचिंग योर फेवरेट शो इंडियाज लाफ्टर चैंपियन। अंटिल देन, दिस इज मी रोशेल राव सेइंग चाओ।